बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार की रात अपराधियों ने खादिम के शोरूम के मालिक जितेंद्र गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। जितेंद्र शोरूम बंद कर बेटे के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे। अपराधियों के हमले के बाद उनके बेटे ने बचाव में फायरिंग की, जिसके बाद अपराधी भाग खड़े हुए। वैशाली में मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। उसकी बिजली के पोल से बांधकर जमकर पिटाई की है। ये चोर राहगीरों से कई बार मोबाइल छीन चुका है। ये मामला देसी थाना इलाके के सुल्तानपुर बजरंगबली चौक की है। मुंगेर में शराबबंदी के बीच पुलिस ने 15 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 450 किलो महुआ बरामद हुआ। पुलिस को सूचना मिली थी कि महिलाएं ट्रेन से महुआ जावा लेकर जा रही है। इसके बाद छापेमारी कर उन्हें पकड़ा गया। बिहार सरकार के नए बालू उत्खनन और विक्रय कानून पर घमासान मचा हुआ है। बालू गिट्टी के कारोबारी इसे काला कानून बताकर 15 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बालू गिट्टी की बिक्री नहीं होने से भवन निर्माण इलाके में लगे मजदूरों की रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा हो गया है। उनके सामने भुखमरी के हालात हो गए हैं। सहरसा में सब्जी विक्रेताओं का विरोध प्रदर्शन, शंकर चौक पर लगाया जाम। पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर मनमानी का आरोप। बिहार में बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। जहानाबाद में अपराधियों ने सदर पुलिस निरीक्षक के घर को आग के हवाले कर दिया। इससे पुलिस निरीक्षक और उनकी पत्नी झुलस गए। दानापुर के रुकपुरा में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। आरोपी संचालिका महेंद्र सिंह समेत चार लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं, साथ ही दो जिस्म फरोश भी गिरफ्तार हुए। पटना में पीएमसीएच के डॉक्टर अशोक सिंह पर एक महिला ने चप्पल से पीटने का आरोप लगाया है। लक्ष्मीनिया देवी अपने पति का इलाज कराने के लिए पीएमसीएच आई थी। डॉक्टर ने ब्लड का इंतजाम करने को कहा, लेकिन ब्लड नहीं मिला। डॉक्टर नाराज हो गए और महिला को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। इधर मौके पर मौजूद लोग महिला को पीटते देखकर हंगामा करने लगे। बाढ़ में महिला से रेप का मामला सामने आया है। मामला सरकारी सैदपुर पंचायत की है, जहां पर मुखिया के पिता पर रेप का आरोप लगा। आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी, इसके कारण महिला दो दिन चुप रही। कैमूर में वनकर्मी के अपहरण का मामला सामने आया है। करड़ गांव के पास वन विभाग की चेकपोस्ट पर काम कर रहे वनकर्मी सुरेश रजक को 4-5 हथियार बंद अपराधियों ने अगवा कर लिया। अगवा वनकर्मी सुरेश रजक ने अपहरण की सूचना अपने फोन से अपने सहकर्मी धनंजय को दी। मधुबनी में हरलाखी के सोहपुर गांव में ग्रामीणों ने बीओ, एचएम और मुखिया के भांजे को बंधक बना लिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अनियमितता और एमडीएम की राशि के गबन की जांच की मांग को लेकर 7 दिनों से गांव वाले अनशन पर बैठे थे। ग्रामीणों ने बीओ पर पक्षपात करने के आरोप लगाए। वैशाली में अज्ञात अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की नहीं हो पाई है पहचान। वारदात विदुपुर थाना इलाके के खालसा चौक की। बिहटा के दिलावरपुर में बालू उठाने को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें दो पक्षों में गोलीबारी हो गई। गोलीबारी और मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। जेडीयू में जारी है तीर पर जंग। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अब शरद गुट हाईकोर्ट पहुंच चुका है। शरद गुट के नेता छोटू भाई बसावा ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसी के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने तीर चुनाव चिन्ह के दावे को खारिज होने पर चुनौती दी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तीर पर शरद गुट के दावे को खारिज करते हुए नीतीश गुट को तीर सिंबल दिया था, जिससे शरद गुट खपा है। बिहार में शराबबंदी पर सरकार और सख्त हो गई है। सुचारू रूप से लागू करने के लिए अलग से आईजी और एसपी की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 से 4 दिसंबर तक नामांकन है। 16 दिसंबर को वोटिंग और 19 को परिणाम घोषित किया जाएगा। कौकब कादरी अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पटना में आरजेडी के खुले अधिवेशन में 10वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू यादव की ताजपोशी हुई। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भेंट किया गुलदस्ता। तेजस्वी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित। शौचालय निर्माण घोटाले में एसआईटी के आरोपी भटेश्वर से पूछताछ करेगी। कोर्ट से 2 दिनों की रिमांड मिली है। कश्मीर में आरोपी विनय सिन्हा के छिपे होने की आशंका। आरजेडी में नई पीढ़ी को कमान सौंपने का ऐलान कर दिया गया। तेजस्वी यादव आरजेडी की सियासी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। डिप्टी सीएम का पद संभाल चुके तेजस्वी यादव राजनीति का ककहरा सीख चुके हैं और अब पूरी रफ्तार से सियासी पारी खेल रहे हैं।
बक्सर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने लालू प्रसाद और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शाहनवाज ने कहा कि गुजरात चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने हार मान ली। शाहनवाज हुसैन राम विवाह महोत्सव में शामिल होने के लिए बक्सर पहुंचे थे। शराबबंदी के बाद बाल विवाह के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार की मुहिम में पुलिस को अहम कामयाबी मिली। बेगूसराय में पुलिस ने बाल विवाह की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर न सिर्फ शादी को रोक दिया बल्कि दूल्हे और परिवार वालों को भी हिरासत में लिया। बछवाड़ा थाना इलाके के धर्मपुर गांव में विनोद दास की 17 साल की बेटी की शादी यूपी के बहराइच के करीब 18 साल के राकेश वर्मा के साथ होनी थी। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना इलाके के गिरी टोल में 5 साल पहले दुल्हन बनकर आई खुशबू ने अपने घर के शौचालय में लगे ताले को खुलवाने की मांग की तो उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, लिहाजा इसे लेकर खुशबू ने पुलिस से शिकायत की। 63वें राष्ट्रीय मंडल संघ की सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद जापान अमेरिका और हांगकांग के दौरे से बिहार विधानसभा अध्यक्ष वापस लौट आए हैं। वापस लौटने के बाद उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रीय मंडल सम्मेलन के बाद उन्होंने 3 देशों की संसदीय प्रणाली का अध्ययन किया। पटना में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पंचायत के मुखिया और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। कई तरह की शिकायतों पर अधिकारियों की क्लास ली। सीतामढ़ी के धनकौल गांव की रहने वाली तरन्नुम नाम की महिला उसके पति आरिफ ने सऊदी अरब से फोन पर तलाक दिया। तरन्नुम की शादी 2010 में मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। पीड़ित के परिजन 10 दिन पहले परिवार वालों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। मोतिहारी के सरोत्तर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत होने से वन विभाग और स्थानीय थाने पर सवाल उठने लगे हैं। पक्षियों की मौत के बाद जितेंद्र सहनी और सुरेश सहनी और उनके लोगों पर पक्षियों की हत्या का आरोप लगाते हुए डुमरिया थाने में आवेदन दिया गया है। बेगूसराय में एक चौकीदार को शराब पकड़वाना महंगा पड़ गया। चौकीदार अब एसपी से पुलिस और शराब माफिया से जान बचाने की गुहार लगा रहा है और रो रोकर नौकरी नहीं करने की बात कह रहा है। बकरी के सलौना गांव का चौकीदार लक्ष्मण दास एक नाबालिग को महुआ शराब के साथ उसने पकड़वाया था। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 2014 से लेट चल रहे सेशन के खिलाफ आवाज उठाना छात्रों को महंगा पड़ गया। सीनेट की बैठक के दौरान छात्र संगठन अपनी मांगों को रखने की कोशिश कर रहा था। आरोप है कि तभी पुलिस ने सभी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और सभी को डोरीगंज और अवतार नगर थाने में लेकर गई। सांसद पप्पू यादव पर पटना जिला एवं व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। धर्मगुरु जीयर स्वामी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान जारी करने पर मुकदमा दायर किया गया। गया में जाने वाले शताब्दी स्कूल में प्रबंधन की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल स्कूल में खेलने के दौरान एक बच्चे का हाथ टूट गया। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन ने बच्चे का इलाज कराने की बजाय उसे 2 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा। रोहतास के शिवपुर में नहर निर्माण में लगे पोकलेन को अपराधियों ने जला दिया है। हादसे के बाद ठेकेदारों में दहशत का माहौल है। छपरा के मसरख मलमालिया मार्ग पर एक शख्स को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में योगेश्वर शाह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा स्टेट हाईवे 73 पर पंचोही बाजार के पास हुआ। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल का हाल इन दिनों बेहाल है। करीब 1 दर्जन डॉक्टर तैनात होने के बाद भी अस्पताल में पूरी रात कोई नहीं होता। हालात यह है कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों का भी बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज नहीं होता। पूर्णिया के सदर हॉस्पिटल में इन दिनों मरीज परेशान है। वजह हर जगह फैली गंदगी, अस्पताल परिसर में पोस्ट ऑपरेटिव वेस्टेज इधर उधर फैला होना, मरीजों को सुई देने के बाद सिरिंज खुले में फेंक देना, ऐसे में अस्पताल आने जाने वालों को इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना हुआ है। दुमका के सदर अस्पताल में कुव्यवस्था के चलते प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई महिला ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर की कॉल ड्यूटी होने के बावजूद भी महिला डॉक्टर नहीं पहुंची और जब महिला डॉक्टर अस्पताल पहुंची तब तक महिला की मौत हो गई। गुमला में एनआईए की टीम ने छापा मारा। जिले के बड़े संवेदक मनोज सिंह के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि छापेमारी नक्सली सुधाकरण रेड्डी से जुड़े मामले में की गई। जामताड़ा में कई विद्यालय समय पर नहीं खुलते। आक्रोशित ग्रामीणों ने नारायणपुर शैक्षणिक अंचल के मुर्गाडीह प्राथमिक विद्यालय में ताला जड़ दिया। आरोप है कि करीब 1.5 महीने से बच्चे को मिड डे मील भी नहीं मिल रहा था। इधर विद्यालय के सचिव आरोपों से इंकार कर रहे हैं। सोमवार को गिरिडीह के सरिया थाने में हुए बम ब्लास्ट की जांच को लेकर
गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर एक दंडाधिकारी की टीम का गठन कर दिया गया है। टीम में सरिया अनुमंडल पदाधिकारी पवन कुमार मंडल, कार्यपालक दंडाधिकारी संदीप कुमार मदेसिया, सरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी शशिभूषण वर्मा को शामिल किया गया है। लातेहार सदर प्रखंड के डिहीमरूप गांव से में दो गुटों में तनाव हो गया। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। 12 से 15 दिसंबर तक बुलाया गया झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कैबिनेट की बैठक में फैसला, बूढ़ा पहाड़ पर स्थायी कैंप बनाएगी झारखंड पुलिस। कई तरह के अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगी। पूर्व सीएस सजल चक्रवर्ती की सजा का बीते दिन ऐलान नहीं हो पाया। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व सीजे भगवती प्रसाद के निधन के बाद सजल की सजा पर फैसला टाल दिया गया। आपको बता दें कि सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया है। सजल चक्रवर्ती 14 नवंबर दोषी करार दिए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत पर गंभीर आरोप लगा है। जनशक्ति मजदूर यूनियन के नेता राकेश कुमार ने मारपीट और किडनैपिंग का आरोप लगाया, लेकिन सुखदेव भगत ने आरोपों को झूठा बताया। कहा, जीवन में पहली बार आरोप लगने से हैरान। डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक नेता और कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। डॉक्टर अजय कुमार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ पार्टी कोने कोने में जाएगी। रांची राजधानी में जाम की समस्या को देखते हुए सीएम रघुवर दास खुद सड़क पर उतरे और निरीक्षण किया। अलवर टिक्का चौक पर इस दौरान एसएसपी, नगर आयुक्त सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने सुजाता चौक होते हुए टेली मार्केट चौक, अलवर टिक्का चौक का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। गुड्डा विधायक अमित मंडल प्रकरण, अब विधायिका बनाम कार्यपालिका की लड़ाई में तब्दील हो रहा है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक सुर में कहा कि राज्य में कार्यपालिका विधायिका पर हावी नजर आ रही है। बाईस नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह है, लेकिन अपने 17 साल के सफर में झारखंड विधानसभा ने जो उठापटक और हंगामा देखा, उसे देखकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों यही कह रहे हैं कि इससे झारखंड विधानसभा और विधायिका की गरिमा कम हुई है। विधानसभा के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सम्मानित होने वाले विधायक विधानसभा कर्मी से लेकर हर व्यक्ति की सूची तैयार कर ली गई है। कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय करेंगे, जबकि समापन 1 बजे के करीब मुख्यमंत्री करेंगे। रघुवर दास ने बीते दिन लातेहार में गिफ्ट मिल्क का उद्घाटन किया, साथ ही 10 नई योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान 12,000 बच्चों के बीच गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के तहत 200 ग्राम के दूध के पैकेट भी बांटे। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में री एडमिशन बिल्डिंग फंड, डेवलपमेंट फंड, इसके साथ ही विभिन्न तरह की फीस वसूलने और कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में लापरवाही बरते जाने के विरोध में आजसू पार्टी ने डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जुलूस भी निकाला गया, जिसमें शहर के लोग भी शामिल हुए। हजारीबाग में बम डिफ्यूज करते वक्त हादसा, बम दस्ते में कार्यरत अशरफ कुरैसी की मौत, भावभीनी आंखों से की गई अंतिम विदाई। पाकुड़ में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि सरकार जन वितरण प्रणाली सिस्टम का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। झारखंड सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल और सीएनटी एसपीटी एक्ट में सुधार के विरोध में मांझी परगना महाल ने जुलूस निकाला। जमशेदपुर के डीसी कार्यालय परिसर में पारंपरिक हथियार के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिकी सेना में इस्तेमाल किए जाने वाला M4 बोल्ट राइफल चतरा के नक्सलियों तक पहुंच चुका है। इस हथियार से काफी दूरी से दुश्मनों को निशाना बनाया जा सकता है। झारखंड में पहली बार इस तरह के घातक हथियार उग्रवादी संगठन के पास मिले हैं। गढ़वा बालू माफियाओं का स्थायी अड्डा बन गया है। यहां से बालू बिहार और यूपी को भेजा जा रहा है। दोनों पड़ोसी राज्यों से सटा हुआ जिला होने की वजह से बालू की तस्करी जोरों से चल रही है। देवघर में पुलिस बड़ी लापरवाही पुलिस की देखने को मिली। देवघर नगर निगम में जांच के लिए मिश्रा को लाया गया, लेकिन उसे पेड़ से लटका कर रखा गया, जबकि इसे डीप फ्रीजर में रखा जाना चाहिए।
देवर के तिलवाड़ा गांव में घरेलू विवाद के चलते एक शराबी पति ने अपनी पत्नी पर प्लेट से हमला कर दिया और बाद में खुद को भी नुकसान पहुंचाया। शोर सुनने के बाद परिजन इकट्ठा हुए और दोनों को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कोटी के काफी पुलिस बंधक मामले में सरकारी योजनाओं का बहिष्कार और पत्थरगड़ी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 आरोपियों को पकड़ा है। 24 जून से ही लगातार बाहरी लोगों की तरफ से ग्रामीणों को भड़काने और पत्थरगड़ी के आरोप लगते रहे। चाईबासा के अंजलि आत्महत्या कांड में लोगों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन बड़ा जामदा में लोगों ने अंजलि को इंसाफ दिलाने की मांग पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग तख्तियां और पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। सिमडेगा में आज से सहस्त्र चंडी महायज्ञ शुरू होने वाला है। इस यज्ञ को लेकर लाल बाबा और भक्त पूरी तरीके से तैयार हैं। यज्ञ के लिए मंडप का निर्माण हो चुका है जिसको बनाने के लिए कारीगर बनारस से आए थे। गुड्डा के महगामा अनुमंडल कार्यालय के सामने विक्रमपुर के ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों ने 6 महीने से राशन नहीं मिलने का आरोप लगाया। गुमला थाना इलाके के करमडीपा में 55 साल के सोमुराव को अज्ञात अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। सोमुराव का शव करमडीपा के पास से बरामद हुआ। धनबाद के गोदू डीओपी इलाके में एक महिला और उसकी बेटी की हत्या का मामला सामने आया। मामला खरकाबाद दास बस्ती तालाब इलाके की है। महिला के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई। रामगढ़ से 35 किलोमीटर दूर कुंभरदग्गा गांव के लोग चोट लगने या किसी जहरीले जीव के काटने पर सालों से झाड़फूंक का सहारा लेने को मजबूर हैं, लेकिन विज्ञान इन बातों को नहीं मानता। डॉक्टरों का कहना है कि कुत्ता काटने पर जानलेवा रेबीज से बचने के लिए इंजेक्शन का डोज पूरा करना जरूरी है। लातेहार में बरवाड़ी मुख्य सड़क पर कुल्ही नला के पास स्कूल बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। बोकारो में कटर मिल की गिरी दीवार, हादसे में 2 की मौत, 1 के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू जारी, चास थाना के पुरुलिया रोड की घटना। यूथ कांग्रेस की ऑनलाइन मैगजीन युवा देश में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक उसने ट्वीट किया है। युवा देश के ट्वीट में पीएम मोदी के चाय बेचने की बात का मजाक उड़ाया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट बैन होने के बावजूद ट्रिपल तलाक के मामले न रुकने पर सरकार कानून लाने पर सोच रही है। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सरकार ने कहा है कि जमाऊ दावा सरगना हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म करने पर देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में पहली बार पत्थरबाजी करने वालों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार से कहा है कि पहली बार पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ केस वापस हो। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने यह खुलासा किया है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मुजम्मिल को आईएसआई ने बड़े आतंकी हमले की जिम्मेदारी दी है। रॉ के सूत्रों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल बट इन दिनों म्यांमार में सक्रिय है। कोलकाता में एसटीएफ ने अलकायदा से जुड़े 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए ये आतंकी अंसार बांग्ला टीम नाम के आतंकी संगठन से जुड़े हैं। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण में आज थोड़ी देर में वोटिंग की शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर पहले पहले चरण में 24 जिलों की 230 नगर निकायों के लिए मतदान हो रहा है। यूपी की बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में पुलिस ने एक महिला का बुर्का उतरवाकर जब्त कर लिया। महिला का नाम शायरा है जो लंबे वक्त से बीजेपी की कार्यकर्ता है। गुरुग्राम के प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी बस कंडक्टर अशोक आज जेल से बाहर आएगा। कल कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद बेल बॉन्ड न भरने की वजह से अशोक की रिहाई नहीं हो पाई। गुरुग्राम फोर्टिस में डेंगू से बच्चे की मौत और परिवार को 16 लाख का बिल थमाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीधे स्वास्थ्य सचिव को मामला देखने को कहा।
कर्नाटक के मंडिया में सीएम सिद्धारमैया के काफिले को रास्ता देने के लिए एक एम्बुलेंस को रोक दिया गया। एम्बुलेंस को रोक दिए जाने पर महिला मरीज को उतरकर पैदल अस्पताल तक जाने पर मजबूर किया गया। पद्मावती फिल्म पर राजस्थान सरकार ने बैन लगा दिया है। सीएम वसुंधरा राजे ने कहा है कि बिना बदलाव के पद्मावती को राजस्थान के किसी थिएटर में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। वसुंधरा ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को इस पर चिट्ठी भी लिखी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में पैरा स्पेशल फोर्स का एक जवान शहीद हो गया जबकि 3 जवान घायल हो गए। एनकाउंटर कल गुज्जर पट्टी के जंगलों में हुआ। आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सोनीपत के एक स्कूल में बच्ची के बाल खींचकर उखाड़ देने के मामले में एसडीएम ने जांच बिठा दी। एक नेवी हवलदार की बेटी के साथ का ये वाकया है। कहा जा रहा है कि सेकंड क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की गुजराती बोली टीचर को समझ नहीं आई, इसी के गुस्से में उसने बच्ची के बाल लोचे। उत्तराखंड में बिजली सप्लाई को लेकर संकट खड़ा हो सकता है। राज्य के ऊर्जा विभाग से जुड़े 4 कर्मचारी संगठनों ने 25 नवंबर से हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। केजरीवाल सरकार दिल्ली के बुजुर्गों को अब मुफ्त तीर्थयात्रा कराएगी। यह फैसला सरकार के तीर्थयात्रा विकास समिति की बैठक में किया गया है। बैठक में केजरीवाल भी थे। योजना के तहत बुजुर्ग को वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर, आनंदपुर साहिब, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा और नीलकंठ के दर्शन मिलेंगे। दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। कल केंद्र सरकार ने 5 जजों की संवैधानिक बेंच के सामने कहा कि दिल्ली संघीय क्षेत्र है, इसलिए यहां की सरकार राज्य सरकार के विशेषाधिकार का दावा नहीं करती। मुंबई के समुद्र में कार्गो शिप के डूबने की जांच शुरू हो गई है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कार्गो शिप एसीआई रत्ना कल शाम को डूबा। जहाज में 16 क्रू मेंबर थे जिन्हें वक्त रहते निकाल लिया गया। हादसा कल शाम समुद्र में 100 नॉटिकल माइल पर हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार करके 7 करोड़ की कोकीन बरामद की। ड्रग्स रैकेट में पकड़ी गई एक महिला वेनेजुएला की नागरिक है जो ब्राजील से होते हुए दिल्ली आई। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर एनसीबी ने पीछा किया और महिला को नाइजीरियन व्यक्ति से बैग बदलते हुए गिरफ्तार किया। मुंबई में शादी कार्यक्रमों में घुसकर पैसे गहने चुराने वाली एक महिला को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है, पुलिस के हवाले कर दिया। घटना भांडपा की है। ये महिला शादी कार्यक्रम में घुसकर वहां एक बैग में गहने चुराने की कोशिश कर रही थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि उबैद उर रहमान नाम के आरोपी ने हिंदू नाम से शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने छापेमारी कर निकाय चुनाव में फर्जी मतदान करने के लिए बनाए गए 500 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि उसे बीएसपी प्रत्याशी के एक कार्यकर्ता ने फर्जी आधार कार्ड बनाने का ऑर्डर दिया था। यूपी के सहारनपुर में मंगलवार को आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। ये रैली 25 फरवरी को मेरठ में होने वाले राष्ट्रोदय कार्यक्रम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए है। यूपी के इटावा में फिल्म पद्मावती के खिलाफ क्षत्रिय समाज ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली का पुतला फूंका। पंचकुला के मोरनी में एक ही परिवार के 3 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। बच्चों की हत्या का आरोप उनके पिता और चाचा पर है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि बच्चों के पिता किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध रखता है। अंबाला नगर निगम फिर से विवादों में है। लोगों के मुताबिक यहां उन्होंने खुद कूड़ा उठाया है लेकिन नगर निगम ने उन्हें 2 साल का कूड़ा कलेक्शन का बिल थमा दिया। लुधियाना में प्लास्टिक के कारखाने में भीषण अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी शामिल है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वारदात की जांच के आदेश दिए। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। रॉबर्ट मुगाबे 1980 से जिम्बाब्वे की सत्ता पर काबिज थे। कुछ दिनों पहले सेना ने जिम्बाब्वे की सत्ता पर कब्जा करने के बाद मुगाबे के हाथ से छुट्टियां छीन ली। मुगाबे के इस्तीफे की खबर आते ही राजधानी हरारे की सड़कों पर जश्न शुरू हो गया।
अमेरिकी सेना ने सोमालिया में कल अलकायदा से संबंधित आतंकी संगठन अल शबाब के खिलाफ हवाई हमले किए जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इस हमले को अमेरिका ने सोमालिया की संघीय सरकार के साथ मिलकर अंजाम दिया। इराक में मंगलवार को एक भीड़ वाले बाजार में हुए बम विस्फोट में 19 लोगों की मौत हो गई है और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विस्फोटक को एक कार में रखा गया था। यह बम विस्फोट उत्तरी इराक के तुज खरमतू में किराना बाजार के पास शाम लगभग 4 बजे हुआ। नाइजीरिया के एक मस्जिद सुसाइड बम ब्लास्ट में 50 लोगों की मौत हो गई। नाइजीरिया के मोबी शहर की इस मस्जिद में सुबह के वक्त तब हमला हुआ जब यहां बड़ी तादाद में नमाजी मौजूद थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नॉर्थ कोरिया को आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला देश बताया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही नॉर्थ कोरिया पर और ज्यादा प्रतिबंध की घोषणा करेगा। टीम इंडिया और श्रीलंका की टीम नागपुर पहुंची। भारत श्रीलंका के बीच 24 नवंबर से दूसरा टेस्ट है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की 23 नवंबर को होगी शादी। टीम मैनेजमेंट से ली छुट्टी। शिखर धवन ने शादी के लिए शुभकामनाएं दी। तमिलनाडु के ऑलराउंडर विजय शंकर को भुवनेश्वर कुमार की जगह टीम इंडिया में मिला मौका। टीम मैनेजमेंट से शिखर धवन ने की व्यक्तिगत कारणों से ब्रेक लेने की बात।